मैं बेगूसराय जिला के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि जो भी व्यक्ति अभी बाहर से आ रहे हैं उनको स्कूल में, उनके पंचायत के स्कूल में उनका क्वारंटाइन रखने की व्यवस्था की गई है। उसमें मुखिया के द्वारा सभी स्कूलों को हर पंचायत पर टैग किया गया है। तो ऐसे सभी लोगों से मेरी अपील है, अनुरोध है कि वो अभी जो बाहर से आ रहे हैं वो लोग उस स्कूल में ही 14 दिन तक अपना रहेंगे, ताकि उनके परिवार के सदस्य भी सुरक्षित रहें और उस पंचायत के लोग भी सुरक्षित रहें। और ऐसे व्यक्तियों की सूची संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी मुखिया से प्राप्त कर लेंगे और डेली हमारा कोई ना कोई सरकारी कर्मी जाके उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछेगा। और किसी भी व्यक्ति को कोई भी सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, कोई भी अगर सिम्टम हो तो उसको जरूर से जरूर उन कर्मी को बताएं, या कंट्रोल रूम से फ़ोन के द्वारा भी उनसे पूछा जाएगा उनकी तबीयत के बारे में। तो ऐसे सभी लोगों से अपील है कि उसकी सही सही उसकी जानकारी दें सिम्टम की, क्योंकि सिम्टम छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको अगर बताएंगे खुल के हम लोग, हमारी मेडिकल टीम जाएगी, आप लोगों की जांच करेगी और हमको लगेगा किसी व्यक्ति को संदिग्ध है कोरोना वायरस का, तो हम लोग आपकी जांच भी करवा के पूरा इलाज करवाएंगे। तो आप लोगों से सिंसियर अपील है कि आप लोग इसकी इस इन्फॉर्मेशन को छुपाएं नहीं और 14 दिन तक क्वारंटाइन में बने रहें। और जो व्यक्ति पहले से आए हुए हैं अपने घर पे क्वारंटाइन में रह रहे हैं, उन लोगों से, सभी लोगों से अपील है वो घर से बाहर ना निकलें और यथासंभव अपने परिवार के एक ही सदस्य के माध्यम से परिवार के लोगों से संपर्क में रहें और वही सदस्य उनसे, उनको खाना, उनको जो भी सामान की आवश्यकता है वही दें। और घर से बाहर तो बिल्कुल भी ना निकलें, गाँव के किसी भी व्यक्ति से वो लोग ना मिलें। 14 दिन तक इसका अगर आप दृढ़ता से अनुपालन करेंगे तो हम लोग कोरोना वायरस की लड़ाई हम लोग जीतेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों का जिला का नियंत्रण कक्ष का जो मोबाइल, जो दूरभाष संख्या है वो 06243222835 है। इस पर कोई भी व्यक्ति, चाहे जो बाहर से आया हुआ हो या जो गांव का कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई आम निवासी, किसी भी व्यक्ति की तबीयत के बारे में या कोई बाहर से व्यक्ति आता है उसके बारे में कोई सूचना देना चाहता है तो इस फ़ोन पर आप लोग कृपया करके उसको सूचित करें, ताकि हम लोग मेडिकल टीम जाके उनकी जांच करें और साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जो डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनको अपनी सूची में शामिल करें और उनकी तबीयत की 14 दिन तक उसकी मॉनिटरिंग करें। एक भी व्यक्ति अगर होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करेगा तो ये पूरे उनके समाज को, पूरे गाँव को खतरा हो सकता है। इसलिए मेरी सिंसियर अपील है इसका पालन करें और इसमें दंड का भी प्रावधान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग जिम्मेदार नागरिक हैं और खुद अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और इस बीमारी की लड़ाई में पूरा सरकार का और आम जनता का आप सभी लोग सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो भी सभी दुकानदार भाई हैं या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिनके घर में कोई परिवार के सदस्य की तबीयत खराब है, अगर उनको दवा बाहर से ले आना है तो सभी आवश्यक दवाओं के क्रय करने के लिए अगर उनको गाड़ी मंगाने में या गाड़ी ले जाने में उनकी ज़रूरत है या कहीं किसी भी जिला में उनकी गाड़ी रुकी हुई है, उसको वहाँ के लोकल प्रशासन के द्वारा नहीं आने दिया जा रहा है, तो ऐसे चीज़ों से आप संबंधित SDOs को प्राधिकृत किया गया है। आप गाड़ी का, कौन सी गाड़ी से आप सामान मंगाना चाहते हैं, कहाँ से मंगाना चाहते हैं, कौन व्यक्ति उसको लेने जाएगा, उसके मोबाइल नंबर के साथ व्हाट्सएप पर ही अपने अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन करें और सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है, निर्देशित किया गया, वो लोग व्हाट्सएप से ही आप लोगों को उसका परमिट निर्गत करें ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई एसेंशियल आइटम ले आने में असुविधा ना हो। और हम आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग बेगूसराय जिला में 2 आपदा राहत केंद्र भी खोले हुए हैं, जो ऐसे व्यक्ति जो कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है इस लॉकडाउन पीरियड में, और जो बेगर्स हैं, भिखारी हैं, वो लोग वहाँ पे जाके रह सकते हैं और लॉकडाउन पीरियड तक वहाँ पे उनके खाने पीने सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, ताकि उनको किसी तरीके किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना होने पाए। साथ ही साथ हम सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करते हैं, सभी पंचायत के मुखिया से अपील करते हैं कि अपने पंचायत में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो भी निर्देश हैं उसका सख्ती से आप लोग अनुपालन करवाएं। और अगर कहीं किसी व्यक्ति, कोई नीडी व्यक्ति दिखता है तो जितना जन सहयोग से उसे तत्काल उसको सहायता भी करें। और किसी की तबीयत खराब होती है तो हमारे कंट्रोल रूम पे और लोकल पदाधिकारियों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसको तुरंत सूचना दें, ताकि हम लोग इसको ससमय डिटेक्ट करके संबंधित व्यक्ति का इसमें इलाज करा सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।